चलिए दोस्तों, आज मैं आपको फॉरएवर की एक जर्नी के ऊपर लेके चलता हूँ। जब मैं ये ट्रेनिंग बना रहा था, मुझे बहुत से नए चीज़ों का पता चला और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ अब जब मैं शेयर करूँगा तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी कुछ नई चीज़ों का फॉरएवर के बारे में मालूम होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ग्लोबल बिजनेस है, सारी दुनिया में फैला हुआ, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट अहम यूएसपी है इस बिजनेस की। इट्स अ ग्लोबल बिजनेस, इट अलाउज यू टू बिल्ड अ बिजनेस 160 देशों में, से भी अधिक देशों में ये बिजनेस है, व्यापार है। तो आप इन 160 देशों में कहीं पे भी अपना बिजनेस बना सकते हैं। जी हाँ, कहीं पे भी, पाकिस्तान नेपाल छोड़ के, बिकॉज आज की डेट में हम पाकिस्तान और नेपाल में नहीं हैं। बहुत सारे लोग आप में से सवाल करते हैं मुझसे, बट 160 देशों में हमारा ये बिजनेस है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो दोस्तों, ये बिजनेस है एक आम आदमी को खास रिजल्ट्स देने का बिजनेस, एक आम आदमी को जो कि इस दुनिया में कोई नहीं पूछता है। दोस्तों, ये बिजनेस उन आम आदमियों के, आम व्यक्तियों के लिए है जो कि हो सकता है कम पढ़े लिखे हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है जो अभी तक किसी और जगह पे सक्सेस ना प्राप्त कर चुके हो सकता है जो नए हो अभी और आगे सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो। ये सभी उन लोगों के लिए है जो कि अपनी जिंदगी से बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स ढूंढ रहे हैं, बहुत खास मकसद है उनकी जिंदगी में और खास चीजें पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में कुछ चैलेंजेस हैं आज की डेट में, आपको फ्यूचर अनसर्टन लग रहा है, जैसा कि आज के माहौल में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, आपको इनसिक्योरिटी है कि शायद आगे जॉब जा सकती है, आपके बहुत बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपके पास अपनी फैमिली के लिए समय नहीं बचता, आप अपनी नौकरी से बोर हो चुके हैं, वही सेम रिपीटेड काम, हर रोज वही लोगों के बीच में बैठना उठना, वही काम करना, या आपकी नौकरी में आगे ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको ये सब चैलेंजेस अपनी नौकरी में आ रहे हैं तो सुनते रहिए। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं, उसमें आपको लगता है बहुत कंपटीशन हो गया, जैसे आज के माहौल में बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट्स, छोटे बिजनेसेस क्लोज डाउन हो गए हैं, छोटे दुकानदार बंद हो गए हैं, तो ऐसे लोग, अगर आपके बिजनेस पे प्रॉफिट मार्जिन कम है, अगर आपके बिजनेस के ओवरहेड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे आजकल का माहौल है कि सेल कम हो रही है बट खर्चे आपके फिक्स्ड हैं, रेंटल आपका फिक्स्ड है, बहुत स्ट्रेस है आपको, यहाँ पे भी आपको कोई फैमिली के साथ समय नहीं बिता पाते, आप दुखी हैं, बोर्ड हैं और आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं ऊपर से, अगर आपके बिजनेस में ये सब चीजें हैं तो सुनते रहिए। जी हाँ, अगर आप एक यंग अडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर, और पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई आगे नहीं करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में, परिवार में फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपको लगता है कि आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, स्पेशली महिलाओं के लिए, यंग महिलाएं जिनके माँ बाप कहते हैं भैया 20 साल की हो गई, शादी कर दो, कोई आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद अपने घर चले जाओ, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, उन लोगों के लिए, जो लोग हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, आज कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पे उनके काम का कोई मायने नहीं है, उनको काम में कोई रुचि नहीं है, वैसे लोग, जी हाँ, और ऐसे लोग जो जिंदगी में कुछ बहुत आगे बढ़ के बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनको अपने बारे में बड़ी लो सेल्फ एस्टीम है, जिन लोगों को सोसाइटी ने ये बोल रखा है कि आपका कुछ नहीं बन सकता, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जी हाँ, ऐसे लोग भी, ये सब व्यक्ति मैंने जो पिछली दो स्लाइड्स में और इस स्लाइड में बात करिए, ये सब व्यक्ति देखते रहिएगा, आप सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर सकते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड आ सकती है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप
किसी चाल में रहते हैं तो आप छोटे घर में जा सकते हैं, छोटे घर में रहते हैं कमरे के घर में रहते हैं दो कमरे के घर में जा सकते हैं, दो कमरे के घर में रहते हैं तो चार में जा सकते हैं। आज आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, स्कूटर ले सकते हैं, स्कूटर ले लिया तो गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी ले लिया तो अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आज की डेट में आपके पास समय नहीं है अपनी फैमिली के साथ बिताने का, जी हाँ आप अपनी फैमिली को हॉलीडेज पे ले जा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, आपको अपनी अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और बहुत कुछ। इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपकी कोई विशेष ड्रीम्स हैं वो सब भी कैसे पूरी हो सकती हैं, जी हाँ वो सब पूरा हो सकता है। तो इस समय आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हों, बट आपको लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय क्या है, बिकॉज आपके जो गोल्स हैं फिर एक्शन प्लान है वो उसी हिसाब से बनेंगे। आपको ये सब चीजें ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिल तो जाएंगी, बट धीरे धीरे जैसे लाइफ में माइलस्टोन्स होते हैं, अगर आपको मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना है तो छोटे छोटे पड़ाव बनाने पड़ते हैं कि पहले आप कौन से स्टेशन पे आएंगे, फिर आप कौन से स्टेशन पे जाएंगे, फिर आप कौन से स्टेशन पे जाएंगे, फाइनली आप दिल्ली तो पहुंच ही जाएंगे, राइट? तो आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे लाइफ में अचीवमेंट्स के। तो ये सब चीज़ें आपको अल्टीमेटली मिल जाएंगी, बट पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और सोल्यूशन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ये सब डिजायर्स जो आपकी हमने पीछे काउंट करी है ये सब पूरी हो सकती हैं। इसमें एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आप ढूंढते हैं या इवेल्युएट करते हैं, या आपको कोई कंपटीशन बताता है कंपनी के बारे में, कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाहता है, सबसे पहली चीज जो आपको डिटर्मिन करनी है दोस्तों वो ये है कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां जुमे जुमे रोज आती हैं, आज आई कल चली गई, परसों आई चली जाएगी, एक साल पहले आई चली गई, कोई ग्रोथ नहीं हुआ कंपनी में, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया और गायब हो गई। इसलिए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। उसकी अच्छी बैकग्राउंड होनी चाहिए कंपनी की, फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए और वाइड रीच होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 160 देशों में हम सक्सेसफुली बिजनेस चला रहे हैं, इसका मतलब है 160 देशों की सरकार से मान्यता प्राप्त है हमें। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही लाजवाब होने चाहिए, एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके पीछे, नेचुरल होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और पूरी दुनिया की रेगुलेटरी बॉडीज से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानिएगा। आज अगर कोई इंडिया में प्रोडक्ट बिकता है ये जरूरी नहीं है कि वो ग्लोबली मान्यता प्राप्त हो। तो आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनकी मान्यता ग्लोबल हो, विच मीन्स जो इंडिया से भी बेहतर रेगुलेटरी वाले देश हैं, जैसे यूरोप है, जापान है, अमेरिका है, अगर वहां से मान्यता प्राप्त है उन प्रोडक्ट्स को तो आप मान के चलिएगा कि इंडिया के लेवल्स को प्राप्त कर ही लेगा। जो उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो एक्सेलेंट होने चाहिए दोस्तों, यूनिक होने चाहिए और सारी दुनिया में एक बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम पैसा देता है उनका प्लान, यूएसए में ज्यादा देता है, जापान में उससे भी ज्यादा देता है। तो ये सब ग्लोबली 160 देशों में जैसे सब बराबर है, बराबर होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपको किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए। तो दोस्तों ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान। जब तक ये तीनों चीजें बेहतर हैं आपको और कहीं अपनी निगाह लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में भटकाने की कोशिश करते हैं, कोई इधर की बात, कोई उधर की बात। अपना फोकस रखिएगा, शार्प फोकस रखिएगा और सिर्फ इन तीन चीज़ों पे फोकस करके जब आप एक अपनी चॉइस के ऊपर अराइव करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सही चॉइस की है आपने। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक लो
या नो रिस्क बिजनेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है, कोई स्पीड की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्पीड पे काम कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिजनेस और कहाँ मिलेगा आपको? आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, आप अपने फाइनेंशियल गोल अपने आप सेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान अपने आप बना सकते हैं, अपनी स्पीड अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करती है आपकी स्पीड। फ्लेक्सिबल है ये बिजनेस, आप चूज कर सकते हैं कि आप कितना काम करें, कब काम करें और कैसे काम करें। ये जरूरी नहीं है कि आपको 9 से 5 काम करना है, 9 से 2 काम करना है, 9 से 9 काम करना है या 24 घंटे काम करना है। ये आपकी सेहत, आपकी काबिलियत और आपकी अंतरिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट है कि यहाँ परफॉर्म करके पैसा मिलता है। अगर कोई भी मार्केटिंग कंपनी आपको बोलती है कि बिना परफॉर्मेंस के पैसा मिलेगा, वो एक सफेद झूठ है। वो सिर्फ मन को भटकाने के लिए, आम लोगों को फुसलाने के लिए वो ये बात कही जाती है। आप खुद हिसाब लगा लीजिए, अगर आपको आपकी एक कंपनी होती बड़ी और आप लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए फ्री में पैसा बांटते, तो आप कितनी देर तक अपना कुबेर का खजाना लेके बैठे रहते? कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो आपको बिना मेहनत किए, बिना काम किए, बिना सेल्स किए आपको इनकम देगा। अगर कोई भी ऐसी कंपनी आपको बोलती है, तो वो कंपनी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, जल्दी ही वो दम तोड़ेगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ट्रेनिंग और मेंटरशिप फ्री में मिलती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स फ्री में मिलती है। जैसे आज की ट्रेनिंग है, मैं आप लोगों को कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एजुकेशन है, मेंटरिंग है, सीनियर लीडर्स जो आपकी अपलाइंस होते हैं वो आपको मदद करते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने में। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने पहले 3 कैटेगरी ऑफ लोग बताए थे, उन लोगों के लिए बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं कुछ आपको दुनिया के फिगर्स के बारे में बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है आज की डेट में। दोस्तों, सबसे वर्ल्ड लीडर दुनिया में आज की डेट में चाइना है। 20% शेयर चाइना का है इन दी ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम चाइना में प्रेजेंट नहीं हैं फॉरएवर, और फिर भी हम इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं जितनी टर्नओवर है हमारी। तो बहुत बड़े कंपटीशन है हमारे, जो कि चाइना में भी प्रेजेंट हैं और चाइना का मार्केट शेयर का हिस्सा है, हम चाइना में प्रेजेंट नहीं हैं। नंबर 2 पे आता है यूएसए, उसके पास भी 20% शेयर है मार्केट का, यानी कि 40% शेयर चाइना और यूएसए में मिलके रह गया है। तो दोस्तों, चाइना और यूएसए में बहुत कम फर्क है वैसे। लास्ट ईयर ही चाइना ने ओवरटेक किया है यूएसए को, अदरवाइज यूएसए वॉज नंबर 1। और बाकी देश आप देखेंगे, तीसरे स्थान पे कोरिया है, चौथे पे जर्मनी है, 5वें पे जापान है। दोस्तों, इंडिया इस समय अगेंस्ट टर्नओवर ऑफ चाइना 35.73 बिलियन के अगेंस्ट इंडिया की टर्नओवर है $1.5 बिलियन, तो यानी कि 19वें स्थान पे। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है और चाइना की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, तो कितना बड़ा स्कोप है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है दोस्तों, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बिजनेस से जल्दी जुड़ जाएं। दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं। भारत में विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की $1.3 बिलियन की मार्केट है, स्किन केयर की $2.5 बिलियन की मार्केट है, मेल ग्रूमिंग की $5.5 बिलियन की मार्केट है, वेट मैनेजमेंट $8 बिलियन की मार्केट है, और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन बिजनेस की $15 बिलियन की मार्केट है। तो आप देखिए, 2 ऐसी बेजोड़ इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन सकते हैं या बन चुके हैं, जिनका फ्यूचर में ग्रोथ निश्चित है। ये बिजनेसेस कभी भी डाउन होने वाले नहीं हैं दोनों, ना ही वेलनेस इंडस्ट्री और ना ही नेटवर्क मार्केट। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के ग्लोबल फैक्ट्स बताता हूं, जल्दी से मैं शेयर करूंगा। ये इंडस्ट्री पिछले 10 साल में करीबन दुगनी हो गई है।
2017 से 2018 में ये इंडस्ट्री करीबन 13% बढ़ी है। एवरेज सेल्स हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की करीबन $300 की है इंडिया में, जबकि ग्लोबली ये $1700 है। तो देखिए इससे भी पता चलता है कि कितना अभी स्कोप है। वेलनेस प्रोडक्ट्स 50% सेल कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंडस्ट्री को। कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर 25%, यानी कि दोनों ये कैटेगरीज हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग का 75% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं। इंडिया में ये करीबन 2500 करोड़ का टैक्सेस पे करती है ये इंडस्ट्री। करीबन इस समय भारत में 57 लाख नेटवर्क मार्केटियर टोटल सब कंपनी के मिला के, और मेल टू फीमेल की रेशियो करीबन 50-50 है। नॉर्थ रीजन 27% कंट्रीब्यूट करता है सेल्स को, और महाराष्ट्र करीबन 13.3%। सो महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर नेटवर्क सेलिंग। ये तो थे इंडिया के फैक्ट्स। इसका नेचर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ना रीजन पे, ना कल्चर पे, ना एज पे। अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म्स ये लागू होती है, हर जगह हर कोई ये काम कर सकता है। इसके लिए करने के लिए ना तो कोई आपको एजुकेशन चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, और ना फंड चाहिए। दोस्तों इट इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें घर घर जाके दुकान दुकान जाके माल बेचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपना बिजनेस चलाने के लिए विद लो स्टार्टअप कॉस्ट। बहुत सारे लोग इस चीज को ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं बिकॉज उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और वो एक डिस्काउंट के ऊपर वो खरीदना चाहते हैं। बाकी लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको बेचना अच्छा लगता है, वो अपने दोस्तों को, फैमिली को और कम्युनिटीज को बेचते हैं, उससे उनको कमीशन मिलता है। जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इस बिजनेस में लोग, वो दूसरे लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, उनको मेंटरिंग करते हैं और अपने बिजनेस के साथ साथ उन दूसरों लोगों का भी बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो ये तीन तरह के लोग नॉर्मली रहते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस को ग्रोथ कैसे मिलती है इंडिया में पिछले कुछ सालों में? इंडिया में लीगल सिस्टम बड़ा स्ट्रेंथन हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आने के बाद इसको लीगैलिटी मिली है, रिकॉग्निशन मिली है। और जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आज के माहौल में और भी ज़्यादा है, ये हेल्प करता है अपने आप अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए बिकॉज सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इसमें कंपनीज बहुत सारी ट्रेनिंग प्रदान करती हैं लोगों को, तो उनका अपना पर्सनल अपग्रेडेशन हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस है बिकॉज 50% ऑफ द इनएक्टिव लेबर फोर्स इन इंडिया इज वुमेन। अगर हम 50% उन लेडीज के ऊपर फोकस करते हैं तो सडनली द बिजनेस विल ग्रो। सोशल मीडिया से एक बहुत फोकस मिला है इस बिजनेस को। सोशल मीडिया और स्पेशली अगर पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया हैज रियली गिवन अ बूस्ट टू दिस बिजनेस। सो दोस्तों ये सारी सिचुएशन थी, उसमें मैं बताऊं कि फॉरएवर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरएवर आपकी अपॉर्चुनिटी क्यों है। फॉरएवर 1978 फीनिक्स एरिजोना में स्टार्ट हुई और पहली अपॉर्चुनिटी मीटिंग दोस्तों 13 मई 1978 को की गई श्री रेक्स मोहन जी द्वारा। और इस विजन के जो फाउंडर थे वो थे श्री रेक्स मोहन, और उन्होंने ये मीटिंग 43 लोगों के साथ स्टार्ट करी थी 1978 में और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उन्हीं की ये इंस्पिरेशनल लीडरशिप है जिसके कारण ये कंपनी आज दूसरों की मदद करने के लिए मशहूर है। और उन्होंने अपनी सारी लाइफ ऑलमोस्ट 42 साल हो गए हैं लोगों की मदद करने में लगा दी है, लोगों को फिनेंशियली फ्री करने में लगा दी है। दोस्तों उनका एक मोटो है, वी विल क्रिएट ए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी। वो कहते हैं कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे अपनी कंपनी में जहां पे हर कोई व्यक्ति अपनी इज्जत से, सेल्फ एस्टीम से, सेल्फ इमेज से वो करे जो वो करना चाहता है। सो अपनी सेल्फ इमेज
was one of the very, very important parameters of Mr. Rex Mohan in designing this company and jo iska marketing plan aur us company ka culture hai. So self-respect ek bahut bahut ahem hissa hai is business ka. Dosto, ab aapke man mein sawal aaya hoga ki maine industry ke bare mein bola, itna kuch bola, forever ke bare mein bola, Rex Mohan ji ke bare mein bola. Forever hi kyun? Bahut sari anya companies hain. Dosto, पावर ऑफ फॉर एवर इज द पावर ऑफ लव. ये प्यार मोहब्बत की कंपनी है दोस्तों. आपस में एक दूसरे को खुश रखना जानती है, रहना जानती है. श्री रेक्स मोहन जी का कहना है जो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता वो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता. तो जो उनका सबसे पहला प्रिंसिपल है प्यार और खुशी. दोस्तों वाई फॉर एवर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कंपनी कैश रिच है और डेट फ्री है. कोई उधारी नहीं है इस कंपनी के ऊपर. $1.5 बिलियन के एसेट्स हैं और प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है. कोई शेयर होल्डर्स नहीं कंपनी को कंट्रोल करते, कोई गवर्नमेंट बॉडीज नहीं कंट्रोल करती, कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है. तो जो रेक्स मोहन जी की फिलॉसफी है वही सबसे महान है. ये देखिए हमारे ऑफिस की पिक्चर है. जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, मुझे इस ऑफिस में जाके बहुत सुकून मिलता है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी यहां एक ना एक दिन जाने का मौका मिलेगा. दोस्तों हमारा बिजनेस ग्लोबल मार्केट प्लेस है. अगर आप देखेंगे जो व्हाइट वाला एरिया है सिर्फ वहां पे हम आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है. जो येलो एरिया हमने सब कवर किया है, यहाँ पे सब जगह FLP की प्रेजेंस है. इंडिया हमारा HO मुंबई में और ग्लोबल हेड ऑफिस हमारा एरिजोना USA में. हम आज 160 देशों में 40 से भी ज्यादा सालों से प्रेजेंट हैं और करीबन 10 मिलियन का मतलब हो गया करीबन 1 करोड़ FBOs हमारे पूरे दुनिया भर में हैं. फॉरएवर दुनिया की सबसे बेहतरीन एलोवेरा कंपनी है. दोस्तों हमारे सारे प्रोसेस की शुरुआत होती है टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में, जहां हमारे करीबन 7500 एकड़ के फार्म है, जहां पे करीबन 5 करोड़ पौधे लगे हुए हैं और करीबन 6.5 करोड़ पाउंड्स एलोवेरा हर साल प्रोड्यूस होता है. दोस्तों इतना एलोवेरा हम साल में उगाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ये जगहें क्यों. यहाँ पे दोस्तों हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है सारा साल और ये आइडियल सॉइल एंड ग्रोइंग कंडीशंस हैं एलोवेरा के लिए. दोस्तों फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है. ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हेडिंग है. बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी वो फलां फलां प्रोडक्ट यूरोप में कहीं पैक हो रहा है, एलोवेरा जेल कहीं यूरोप में पैक होता है, ये क्यों. तो मैं आपको एक ब्रॉडली समझाता हूँ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी की डेफिनेशन. दोस्तों वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है फॉरएवर ओन्स और कंट्रोल्स द कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरीज एंड इवन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशन पे जाएंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन की, तो ये कहता है कि जितने भी आप प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, जितने भी आप प्रोसेस लगते हैं एक प्रोडक्ट को आपके तक पहुँचाने में, अगर आप 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस को ओन या कंट्रोल करते हैं तो आप वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी कहलाते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आपको एक एक प्रोसेस अपना कंट्रोल करना है. सो 2 से ज्यादा प्रोसेसेस अगर आप कंट्रोल करते हैं तो हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं. और कंट्रोल के बारे में भी मैं समझा दूं, ओन्स और कंट्रोल्स. ओन मींस फिजिकल फैसिलिटीज आपकी हैं, कंट्रोल्स मींस फिजिकल फैसिलिटीज आपकी नहीं है बट आपने वो फैसिलिटी पूरी किराए पे ले रखी है किसी और के द्वारा बनाई गई और आप चला के उसमें अपना प्रोडक्ट अपने आप प्रोड्यूस करते हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा. सो फॉरएवर ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट रीच फ्रॉम राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फार्मिंग टू कंज्यूमिंग. सो आई थिंक दिस कॉन्ट्रोवर्सी कैन बी किल्ड नाउ वंस एंड फॉर ऑल. हमारा प्रोसेस एलो फील्ड से कल्टीवेशन तक, क्लीनिंग एक्सट्रैक्शन तक, स्टेबलाइजेशन तक, इसके बारे में आगे बात करेंगे. स्टेबलाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है
हमारे एलोवेरा का टेस्टिंग, फिलिंग, सीलिंग, पैकिंग, पैलेटाइजिंग और आप तक पहुंचाना, डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको हम कहते हैं प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। इट इंश्योर्स कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस टू गिव यू बेहतरीन, बेहतरीन से भी बेहतर प्रोडक्ट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत आला है, एसेप्टिक पैकेजिंग करते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री एलो ड्रिंक्स हैं। हम दोस्तों इनर लीफ एलोवेरा एलोवेरा लेते हैं जिसको कि एक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसको रखते हैं। इस प्रोसेस के कारण आपकी विटामिन रिटेंशन जो फॉरएवर के एलोवेरा में है वो 300% ज़्यादा है। हम कस्टम ब्लेंडिंग इस्तेमाल करते हैं, इट रिड्यूसेस टाइम, एनर्जी एंड मैन पावर। सो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम इस्तेमाल करते हैं आप तक एलोवेरा पहुंचाने के लिए। दोस्तों फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है और दुनिया के हर कोई स्टैंडर्ड्स को एक्सीड करती है। ये एक टेम्पे नाम के शहर में एरिजोना में है, 82,500 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है, ISO 17025 सर्टिफिकेशन प्राप्त है। नॉर्मली दोस्तों ये सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी लैब्स को अवेलेबल होती है जो कि स्टैंडर्ड लोन लैब्स होती हैं जो दो लोगों के प्रोडक्ट सर्टिफाई करती है, उन लोगों उन लैब्स को मिलती है। हमारी लैब अपने प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती ही करती है, बट सर्टिफिकेशन होने के कारण ये अगर कोई और भी अपना प्रोडक्ट्स हमारे पास भेजता है तो हम उसको सर्टिफाई कर सकते हैं, हमारी लैब को वो मान्यता प्राप्त है। हम 333 डिफरेंट प्रकार के क्वालिटी टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और करीबन साल में 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 1.5 मिलियन, राइट, करीबन 0.15 करोड़ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉरएवर में कंटिन्यूअसली हम इनोवेशन करते हैं, नयापन कुछ ढूंढते हैं, नया करते रहते हैं आप तक बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। हम नए मेथड फार्मिंग के ढूंढते रहते हैं, थिक लीव्स डिज़ाइन करने के लिए हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि आप मोटी लीव्स हों, फ्रेश टेस्ट हो, उनमें से बहुत बढ़िया गूदा निकले जिसमें से आपको जेल दें। और अपने प्रोडक्ट्स को जो भी चेंजिंग ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं हम उनके तहत मापदंड करते रहते हैं ताकि आप तक बेस्ट प्रोडक्ट्स पहुंच पाएं। दोस्तों और ही कुछ नहीं, हम आजकल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की इतनी बात होती है, पोल्यूशन की इतनी बात होती है, दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, हम अपने प्रोसेसेस के द्वारा वो चीज़ भी इंश्योर करते हैं। लास्ट 3 साल से एवा पोल्यूशन कंट्रोल के अवार्ड जीत रहा है। पानी के इस्तेमाल हमने अपने प्लांट्स में करीबन 90% कम कर दिया है बाय ड्रिप इरिगेशन, सोलर पावर्ड पंप्स। हम रीयूज्ड वाटर, जो पत्ते साफ करने के लिए जब फैक्ट्री में पानी इस्तेमाल करते हैं उस पानी को हम अपनी फील्ड में रीयूज करते हैं, तो पानी का यूज भी हमने कम कर दिया है। जेल निकालने के बाद जो छिलका बचता है दोस्तों हम उसको दोबारा से अपने फील्ड में डाल देते हैं खाद की तरह से, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि 20 एलोवेरा प्लांट्स एक बड़े पेड़ के जितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बदल के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो 20 प्लांट एक बड़े वृक्ष के बराबर हैं, तो आप देख लीजिए 50 मिलियन प्लांट्स, 5 करोड़ प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो देखिए हम दुनिया के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लाइटिंग में भी हमने सारे के सारे प्लांट्स में अपनी LED लाइटिंग से 80% पावर कंजम्पशन कम कर दिए और हमें पोल्यूशन कंट्रोल के भी बहुत सारे इनाम मिले। दोस्तों पैकिंग में हम बहुत एफिशिएंसी है और केयर के साथ करते हैं। बहुत सारी हमारे पास मशीन्स हैं और हमारी स्पीड्स जो भी टेक्निकली इंक्लाइंड हैं वो ये टेबल पढ़ सकते हैं। बहुत आला किस्म की मशीन्स हैं और हम अपनी पैकिंग बॉक्सेस में करीबन 85% रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंक्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो इंक इस्तेमाल करी जाती है उसमें लेड रहता है जिसके कारण इन्वायरमेंट को बहुत हानि होती है, बट हमारी इंक्स जो हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। सो हमारा सारी की सारी प्रोडक्ट पैकेजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दोस्तों हमारा फॉरएवर डायरेक्ट
एक यूरोप में पैकिंग प्रोसेसिंग सेंटर है जिससे कि हम 160 देशों में सप्लाई करते हैं, और ये कॉस्ट कंट्रोल करने में भी मदद करता है, और लेबलिंग और कॉम्बो पैक्स सप्लाई करने में, डायरेक्ट सप्लाई करते हैं 90 देशों में। जैसा कि अगर हम आपको मैं समझाऊं कि आजकल हम ऑनलाइन ऑर्डर लेके आपके घर पे माल पहुंचाते हैं, तो इस सेंटर से यूरोपियन 90 देशों में डायरेक्ट टू द कस्टमरशिप होता है। अगर फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम में कोई कस्टमर है या लंदन में कोई कस्टमर है, उसको यहाँ से डायरेक्टली माल जाता है, तो उन देशों में कोई भी आरडीओ टाइप नहीं है। तो ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आरडीओ जो डायरेक्ट सप्लाई करता है कस्टमर को, और अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट में कंपनीज को सप्लाई करता है, यानी कि हमको अगर हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से आते हैं। दोस्तों, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सुपीरियर हैं और कंज्यूमेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होता है तभी नेक्स्ट रीसेल निकलती है। सो कंज्यूमेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे प्रोडक्ट सेफ हैं, नेचुरल हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। जो भी टेक्निकली इंक्लाइंड लोग हैं वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब ढूंढ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है आजकल के एग्रीकल्चरल बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स में। तो हमारे प्रोडक्ट्स जीएम फ्री हैं, और ऊपर से इतने सारे मैं फॉरएवर के पॉजिटिव्स बता चुका हूँ आपको। कंपनसेशन में, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स में हमारा प्लान वैसे ही बेस्ट है दोस्तों। 48% तक हम डिस्काउंट प्रदान करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। 48% कोई भी कंपनी है दोस्तों, 48% डिस्काउंट नहीं देती। और दोस्तों, रेक्स सर ने 42 साल पहले कंपनी शुरू की थी, अब उनके बेटे मिस्टर ग्रेग मॉन बिजनेस में आ चुके हैं, और अगले 40 साल इस कंपनी को लीड करने के लिए तैयार हैं। जो आप में से बहुत सारे लोग लास्ट ईयर की हमारी इंडिया रैली में आए थे, उन्होंने इनको सुनने का मौका मिला होगा उनको सितंबर में। तो दोस्तों, इस कंपनी का फ्यूचर सेफ है। अब चलते हैं इंडिया के ऊपर। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ दोस्तों, हमारे 19 सेल्स ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं। मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है। दोस्तों, इस बिजनेस में जैसा कि फिक्स्ड एसेट्स की इम्पोर्टेंस है, हमारा मुंबई बैंड्रा में कंपनी ओन्ड ऑफिस है। 10,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का ये ऑफिस है, और बैंड्रा वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेशंस इन मुंबई, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। 19 सेल्स ऑफिसेज हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा FBOs हैं, और टर्नओवर 500 करोड़ से भी अधिक है। दोस्तों, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स का दिल है। सो हम बात करते हैं सदा एलोवेरा के बारे में। इनफैक्ट बहुत जगह पे वी आर नोन एज द एलोवेरा कंपनी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। हमारा जो एलोवेरा है हैंड हार्वेस्टेड है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। हम साल में एक बार एक प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो प्लांट की थिकनेस एक राइट लेवल तक पहुंच जाती है, सही जगह से कट लगता है। हैंड हार्वेस्टिंग से हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे प्लांट्स में, हमारी फील्ड्स में बड़ी बड़ी मशीन नहीं ले जानी पड़ती, तो डैमेजेस भी नहीं होते। और हम हैंड फिलेटिंग करते हैं इसकी, जिससे कि प्योर पोटेंट इनर लीफ एलोवेरा जेल आपको सही तरीके से मिलता है, और हर एक लीफ हमारा हैंड इंस्पेक्टेड रहता है ताकि आपको बेस्ट जेल मिल पाए। हमारी जो प्रोडक्ट है वो राइट वैरायटी है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो कि 400 स्पीशीज हैं दुनिया में एलो प्लांट्स की, बट द बेस्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज बार्बाडेंसिस मिलर, एंड दैट इज व्हाट वी ग्रो। न्यूट्रिशनली सबसे अच्छा माना जाता है ये ह्यूमन बॉडी के लिए, अंदरूनी यूज के लिए भी और बाहरी यूज के लिए भी। और ये वैरायटी करीबन 2200 BC में की किताबों में मेंशनड है एज वन ऑफ दी
products used for soothing properties being used 2200 years ago, not 2200 years ago, 2200 BC में, यानी कि 2200 साल BC period के और 2000 साल AD period के, तो करीबन 4200 साल पहले भी इस पौधे को ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते थे। दोस्तों एलो लीफ में करीबन 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं, 20 मिनरल्स हैं, 200 अदर कंपाउंड्स हैं, 12 विटामिन हैं और 18 अमीनो एसिड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस पौधे को कितना परिपूर्ण बनाती हैं आप लोगों की हेल्थ के लिए। न्यूट्रिएंट रिच है दोस्तों, ये तीन तरह से काम करता है आपके शरीर में। एक, पहले जब पीते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वो आपके शरीर को साफ करता है अंदर से, उसके बाद आपके शरीर को सशक्त करता है, नरिशमेंट देता है विटामिन मिनरल अमीनो एसिड्स के जरिए, और उसके बाद क्यूरेटिव काम करता है एंजाइम्स और एंथ्राक्विनोन्स के जरिए। सो क्लीनिंग करता है, नरिशिंग करता है और थेराप्यूटिक क्योरिंग करता है। सो ये तीन चीज़ें आपके शरीर में काम करती हैं। अब एलोवेरा FLP का ही क्यों, बड़ा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। एक नॉर्मल एलोवेरा में दोस्तों, जैसे हमने पीछे देखा था, वो जो हरा पत्ता है और उसमें से जो गोंद निकलती है और अंदर का जेल निकलता है, वो तीनों का जूस निकाला जाता है। FLP एलोवेरा में सिर्फ जो अंदर का वाइट, ये देखिए ये गूदा है, सिर्फ इसी का जूस निकालते हैं, जो हरा पार्ट है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। बिकॉज ये हरे पार्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स हैं एंड आइडली दे आर नॉट सपोज टू बी कंज्यूम्ड इंटरनली, तो हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ आपको अंदरूनी जो जेल है उसका प्रोडक्ट दें, जो कि 100% सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। नॉर्मली जो कंपनियां हैं वो कहीं से खरीद के लाती हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं अपनी फैक्ट्रीज में, और उस प्रोसेस के दौरान इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत गिर जाती है। हमारा जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, हमारा हमारी जहाँ पे फील्ड है, प्लांटेशन है, वहीं पे हमारी फैक्ट्री एक लगी हुई है जो इसको स्टेबलाइज करती है, ताकि इसको काटने और इसको स्टेबलाइज करने के दौरान ज़्यादा समय का गैप ना रहे और हम इंश्योर करते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। हम इसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं डालते, जो कि बाकी लोग ब्लीचिंग एजेंट्स डालते हैं। ब्लीचिंग से क्या है, कलर में कंसिस्टेंसी आ जाती है, आपको अगर एक कलर मिलेगा तो वही मिलेगा, बट हमारा प्रोडक्ट प्योर है। जैसा कि जूस, अगर आप एक संतरे का जूस निकालेंगे और दूसरे संतरे का जूस निकालेंगे, उनके कलर में फ़र्क होगा, उसी तरह हमारा जो जेल है, जूस है, वो प्योर है। हो सकता है बैच टू बैच कई बार कलर में अंतर मिले आप, बाकी कंपनीज बिकॉज वो हरापन साथ में उसका जूस निकालती हैं तो उनको पल्प को छानना पड़ता है, तो छानने के साथ उनके सारे फाइबर हैं वो निकल जाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ आपको मिलता है, उसमें से कोई हम छनाई नहीं करते बिकॉज स्टेबलाइजेशन हो चुका है, तो आपको उसका पल्प भी एज ए फाइबर, एडिशनल फाइबर आपको मिलता है। सो ये हमारे प्रोडक्ट की खासियत है, जो कि आप किसी भी दूसरे अन्य कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो आपको मिलता है जस्ट एज नेचर इंटेंडेड प्रोडक्ट। ऐसा लगता है जैसा कि आपने अभी अभी ज़मीन से काट के जेल छील के अपने मुंह में डाल लिया, हमारे जो बॉटल में से प्रोडक्ट निकलता है बिल्कुल उसी तरीके से निकलता है। हमारा IASC से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है फॉर 99.7% प्योरिटी। नॉर्मली आप जो बाकी कंपनीज के एलोवेरा जेल लेंगे, उनमें करीबन अगर बॉटल लेंगे आप एक लीटर की, तो उसमें से करीबन 30-35-40% तक एलोवेरा होता है, बाकी सब पानी होता है। हमारे एलोवेरा में 99.7% एलोवेरा रहता है। ये हैंड हार्वेस्टेड है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, शुगर फ्री है, ग्लूटन फ्री है, वेरी रिच इन विटामिन सी एंड बेस्ट, नो प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो नो प्रिजर्वेटिव्स हैं दोस्तों, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब प्रोडक्ट को खोलते हैं जल्द से जल्द इस्तेमाल करें और रेफ्रिजरेट करें। अगर आप जल्द से जल्द इस्तेमाल नहीं करेंगे और रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, तो ये बाकी फ्रेश प्रोडक्ट्स की तरह, जूसेस की तरह, अगर आप ऑरेंज जूस निकाल के टेबल पे रख देंगे तो खराब हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो ये भी प्रोडक्ट उसी तरह खराब हो सकता है। सो इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी अच्छी केयर कर सके ये प्रोडक्ट, इसलिए इस प्रोडक्ट की भी केयर आपको करनी होगी दोस्तों। हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, IASC सर्टिफाइड, कोशर सर्टिफाइड, क्रुएल्टी फ्री, हलाल सर्टिफाइड।
ये चारों सर्टिफिकेशंस ग्लोबली सारे प्रोडक्ट्स को हैं, और इसके अलावा भी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे वीगन हैं, वेजिटेरियन हैं, वो सर्टिफिकेशंस प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मधुमक्खी के छत्ते से बने प्रोडक्ट्स हैं, मधुमक्खी के शहद से बने प्रोडक्ट्स हैं, और मधुमक्खी के बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स उत्पादों के बने प्रोडक्ट्स हैं। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हमने C9 कुछ समय पहले लॉन्च किया है, एक आला प्रोडक्ट है वेट लॉस वेट मैनेजमेंट के लिए। जॉइंट केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, जनरल न्यूट्रिशन, डेली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, टारगेटेड स्किन केयर, स्पेशल स्किन केयर के लिए, स्पेशल यूजेस के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं, मैच्योर स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो दोस्तों बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास। तो अब दोस्तों अगर आप फॉरएवर के साथ जुड़ते हैं, मैं इंश्योर करता हूं कि आप एक बेहतर जिंदगी हमारे साथ जी सकते हैं। ये बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपकी हेल्थ जरूरी है, तो आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और एज प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करते हैं तो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, घर पे आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं, 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन और मनी बैक गारंटी। अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट्स एंड टेक योर मनी बैक। लॉयल्टी प्रोग्राम्स आते हैं टाइम टू टाइम, प्रमोशंस आती हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट्स मिलते हैं, आप आगे लोगों को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, आपके डिस्काउंट की रेशो बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं, और आप बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स, ट्रैवल ट्रिप्स, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा भी अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है फॉरएवर। आप डायरेक्टली लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं घर पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन से आप एक होम बेस्ड बिजनेस ओनर बन जाते हैं दोनों कॉम्बिनेशन से। हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। हम अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों प्रोडक्ट्स, तो हम लोगों को रिकमेंड भी नहीं कर सकते। सो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के खुद कस्टमर बनिएगा, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करिएगा लोगों के साथ, लोगों को बेनिफिट्स बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, 20 से 30 रेगुलर कस्टमर्स डेवलप कर लीजिएगा, और सबसे बाद में अपनी टीम बिल्ड करिएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करिएगा लोगों से, बिजनेस शेयर करिएगा, अपने 5 की पीपल रिक्रूट करिएगा, और एक बिजनेस बिल्डिंग साइकिल आ जाइएगा। उसके बाद आप 20 से 30 कस्टमर जो डेवलप करते हैं, और इन 5 की लोगों को आगे कोचिंग करिएगा, उसी तरह से और अपना 5 कस्टमर्स बनाने का, 5 लोगों को ज्वाइन करने का, और 20 से 30 कस्टमर्स डेवलप करने का। जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आप बिजनेस बिल्डिंग में आ जाते हैं। सो आप प्रोडक्ट सेलर हो सकते हैं, 10,000 to 20,000 रुपए कमा सकते हैं, आप बिजनेस लीडर हो सकते हैं, आप टीम ऑफ प्रोडक्ट सेलर्स को लीड कर सकते हैं, तो आप 25,000 to 75,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और जब आप बिजनेस लीड करते हैं, जब आपने के नीचे अपने जैसे ही और बिजनेसमैन क्रिएट कर देते हैं, तो आप एक बिजनेस कोच बन जाते हैं। आप 1,00,000 रुपए से ऊपर, स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट सिन फॉरएवर एज दे से, तो आप कितने भी पैसे कमा सकते हैं। एज अ प्रोडक्ट सेलर आपको क्या करना है, आपको 20 कस्टमर्स डेवलप करने हैं। बिजनेस लीडर क्या करना है, आपको 5 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो आप ही की तरह प्रोडक्ट सेल करें। एज अ बिजनेस कोच आपको जो आपने टीम बनाई है उनको मोटिवेट करेंगे कि अपने जैसी एक और टीम्स बनाएं, अपने नीचे जैसे 5 लोग आपने बनाए, तो 5 लोगों को और अपने नीचे 5 लोग बनाने के लिए मोटिवेट करें। दैट इज द टाइम व्हेन यू बिकम अ बिजनेस कोच, आप उनको कोचिंग करते हैं कि अपना बिजनेस कैसे डेवलप करें। जब इस लेवल पे पहुंचते हैं, दैट इज द टाइम जब आपका बिजनेस सीधा ग्रोथ की तरफ बढ़ता है।
आपको पेमेंट कैसे होता है, डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे बिजनेस के। जब आप बिजनेस बिल्डिंग में जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, आपको अन्य लेवल्स के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए अलग अलग पेमेंट मिलता है, डिस्काउंट्स आपके बढ़ते चले जाते हैं, इनकम आपकी बढ़ती चली जाती है। अगर कोई आदमी इससे भी अग्रेसिव है, अगर मैनेजर से ऊपर जाना चाहता है, उसके बियॉन्ड भी हमारे पास बहुत चीजें हैं। सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, सोरिंग मैनेजर बन सकते हैं, सफायर मैनेजर बन सकते हैं, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर और डायमंड सेंचुरियन। इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तब आप जानिएगा, बट ये जस्ट शेयरिंग के लिए है कि आप कहां तक जा सकते हैं। आपको पेमेंट कैसे मिलती है ये भी उस समय रेलेवेंट हो जाता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि इतनी इनकम तक आप जा सकते हैं। इससे भी ज्यादा चाहिए आपको, ये तो थी रेगुलर इनकम। आपको लीडरशिप बोनसेस अलग से मिलते हैं, कार प्लान्स मिलते हैं, आप कार्स खरीद सकते हैं, जैसे कि हमारे देख सकते हैं ये हमारे बहुत बड़े लीडर हैं यूरोप के, गाड़ियों का बहुत शौक है उनके पास, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी है। ग्लोबल रैली होती है हमारी साल में एक बार, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चेयरमैन बोनस मिल सकता है जिसमें कि हम कंपनी के सेल्स का हिस्सा भी आपको देते हैं। जेम बोनस मिल सकता है, मैनेजर रिट्रीट जो कि एक डोमेस्टिक रिट्रीट है बेस्ट ऑफ द 5-स्टार होटल्स में, वो मिल सकती है। ईगल मैनेजर रिट्रीट एक सेकेंड ग्लोबल प्रोडक्ट है। लीडरशिप बोनस है आपका, रॉयल्टी स्टाइल इनकम है। अगर आपके नीचे 3 मैनेजर्स आ जाते हैं तो पहले पे 6%, दूसरे पे 3% और तीसरे पे 2% आपको रॉयल्टी मिलती है। तो अगर आपकी 1,00,000 रुपये महीने की इनकम है और इन तीनों की भी 1,00,000 रुपये की इनकम है मैनेजर की, तो आपको 11,000 रुपये महीना इन लोगों से रॉयल्टी मिलती है। इमेजिन करिएगा कि अगर आपकी 5 डायरेक्ट लाइंस है इस तरह की, तो आपको कितनी रॉयल्टी मिलेगी, इमेजिन करिएगा। ये ग्लोबल भी है, आप ग्लोबली भी मैनेजर बना सकते हैं, तो जो आपके दूसरे देशों में मैनेजर्स होंगे उनके ऊपर भी आपको रॉयल्टी मिलेगी। सो इमेजिन करिए, अगर आप 10 देशों में आपकी इनकम्स हैं तो आपको कौन कौन सी करेंसी में क्या क्या रॉयल्टी मिलेगी। जेम बोनस है, ये भी अगर आप डायरेक्ट अपनी लाइन में बिजनेस डेवलप करते हैं तो आपको एडिशनल इंसेंटिव्स मिलते हैं, एडिशनल परसेंटेज मिलती है। फॉरएवर टू ड्राइव एक्स्ट्रा, जैसे कि पीछे मैंने बोला, आपको अगर कार प्लान आप अर्जित करते हैं तो 52,000 रुपये तक आपको हर मंथ 36 महीने के लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं ओवर एंड अबव योर बेसिक इनकम। तो आप 52,000 रुपये तक की गाड़ी खरीद सकते हैं इन एडिशनल पैसों से। और एक्स्ट्रा है मैनेजर रिट्रीट जो कि एक डोमेस्टिक ट्रिप है, 4 nights up to 4 nights and 5 days, ऑल एक्सपेंस पेड, 5-स्टार लक्जरी स्टे एट अ सरप्राइज डेस्टिनेशन इन इंडिया। ये अप टू 4 nights है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं उसमें, 2 nights से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 4 nights and 5 days तक जाता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे अब तक हम जा चुके हैं, हर साल एक ईगल मैनेजर रिट्रीट रहता है। फॉरएवर ग्लोबल रैली है, 2 एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस रहती हैं हर साल जहाँ पे आपको बेस्ट लग्जरी होटल्स में स्टे दिया जाता है और $500 से लेके $3,000 तक स्पेंडिंग मनी भी दिया जाता है दोस्तों। मतलब आपका वहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, आपको जाने का खर्चा कंपनी का, आपको रहने का खर्चा कंपनी का, आपको खाने पीने का खर्चा कंपनी का, और ऊपर से शॉपिंग करना भी आपको कंपनी पैसा देती है। देखिए चेयरमैन बोनस दोस्तों, 3% टर्नओवर कंपनी का ग्लोबली विद इन गिवन क्राइटेरिया, कंपनीज के जो बेस्ट टॉप एफबीओज होते हैं उनमें शेयर किया जाता है। 3% टर्नओवर दोस्तों, कम नहीं होता। बहुत सारी इंडियन कंपनीज को तो टर्नओवर ही इतना 3% होता, जितना हमारा 3% हम पैसा शेयर कर देते हैं उतना टर्नओवर नहीं होता कंपनीज का।
2019 में दोस्तों हमने सिंगल डे में, एक दिन में करीबन 135 करोड़ रुपए लोगों में बांट दिए थे। अगेन जितना पैसा हमने एक दिन में बांटा अपने एफबीओज में, बहुत सारे इंडियन कंपनीज की टर्नओवर भी शायद इतनी नहीं। इंडिया में जब से चेयरमैन बोनस अवार्ड शुरू हुआ है, हम करीबन 59 करोड़ के करीब अपने इंडियन एफबीओज को बांट चुके हैं दोस्तों। सो दोस्तों अब अपने जो फीचर्स हैं, जो हमारी ये फॉरएवर की खासियत है, उसको समराइज करने का समय मैं आपके लिए थोड़ा समराइज कर देता हूं इसको, हमारे मार्केटिंग प्लान के फीचर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल बिजनेस 160 देशों में, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई स्टार्टर किट नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई वेयर हाउसिंग का खर्चा नहीं, कोई आपको स्टोरेज नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट। होम बेस्ड बिजनेस है, आपको कोई बड़े बड़े ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, अपने घर से बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो भी कोई मेहनत करना चाहे उसके लिए बिजनेस है। बेसिक ट्रेनिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे कि आज की ट्रेनिंग है। हर कोई फॉरएवर के साथ डायरेक्ट डील कर सकता है, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई किसी को पैसा जमा नहीं कराना, कोई किसी को कुछ नहीं देना, आप डायरेक्ट कंपनी को पैसा दीजिए और प्रोडक्ट लीजिएगा। 2 से 4 महीने कंसेक्यूटिव प्रमोशन प्लान्स हैं, आप कोई भी टाइटल 2 महीने या 4 महीने में अचीव कर सकते हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग लेवल्स पहुंच जाते हैं, आप अगर आप नहीं भी परफॉर्म करते तो आपको वापस नहीं ले जाया जाता, आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस आपके बच्चे भी इनहेरिट कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं, अपना भविष्य नहीं, आप अपने बच्चों का भविष्य भी इस बिजनेस से सुधार सकते हैं। हाईएस्ट पे आउट इन द इंडस्ट्री है हमारा, आपको 38%। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे फॉरएवर बिजनेस इंडिया का, हम जो कमीशंस बांटते हैं, कमीशंस देते हैं, हम होलसेल प्राइस के 143% के ऊपर देते हैं। आपने कभी ऐसी कोई कंपनी सुनी है जो जितना पैसा आपसे लेती है इनवॉइस में, उससे भी ज्यादा वैल्यू के ऊपर कमीशन दे? यानी कि अगर आपको इनवॉइस है 100 रुपए का, आपको बिल कटा है 100 रुपए का, तो कमीशन कंपनी आपको 143 रुपए के ऊपर देती है। दोस्तों मैंने तो आज तक कोई कंपनी नहीं सुनी थी अपने एक्सपीरियंस में जो कि इससे ज्यादा, होलसेल प्राइस से ज्यादा के ऊपर आपको कमीशन दे। ये पहली कंपनी है और मेरे हिसाब से ये आखिरी कंपनी होगी जो 143% के ऊपर आपको कमीशन देती है। ये कभी ना भूलें, ये आपका कंपनी का गेम चेंजिंग पॉइंट है। इसके आगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा हो सकता। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट खास करके सबसे लास्ट में रखा है ताकि आपकी माइंड में, मेमोरी में छप जाए ये। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ आवर कंपनी एंड विच लीड्स टू द हाईएस्ट पेआउट्स इन आवर इंडस्ट्री। हमारे मैनेजर्स का कमीशन परसेंटेज सबसे हाई रहता है दोस्तों। बेस्ट पार्ट है दोस्तों, इस बिजनेस में असली लोग हैं, कोई दिखावे के एक्टर्स एक्ट्रेसेस नहीं मैं यूज कर रहा। मिस्टर सुनील गुप्ता फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, मिस्टर पंकज गुप्ता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, तारा सुल्तानिया जी हैं वो एक हाउसवाइफ हैं, और मनदीप कंबोज हैं एक्स मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। तो ये सारे हमारे बड़े आम से दिखने वाले असली लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस किया किसी ना किसी लास्ट 20 साल की जर्नी में। सुनील गुप्ता जी शुरू से हैं बिजनेस में, बाकी सब लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुड़ते गए हैं और ये ग्रो करे हैं। सो ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि असली लोगों ने नहीं किया।
ये सब आप जैसे लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और सक्सेसफुल हो पाए। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। आप बताइएगा, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग, वैरायटी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग टूल्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेमिनार्स एंड इवेंट्स। आप इस बिजनेस में हमेशा हमारे को आपके साथ पाएंगे, कभी भी आप हमारे से दूर नहीं रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हमारा हाथ आपके हाथ थामने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है, जी हाँ दोस्तों, बट ये सच है, क्योंकि इसके लिए अगर आप एक कदम आगे चलेंगे तो हम दो कदम चलेंगे आपके साथ। आपका समय और आपका एफर्ट ज़रूरी है। अपने बिजनेस को सीरियसली लें, सीखने के लिए अपना दिमाग सदा ओपन रखें, अपने बिजनेस के साथ हमेशा टच में रहें, हर रोज बिजनेस ये करें, बदलने के लिए तैयार रहें समय के साथ। जैसा कि इस 6 महीने में हमें सिखाया है, हम अपने बिजनेस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट हमें बदलना होगा। आज तो हमें इस महामारी ने सिखा दिया है बदलना, बट हमें अपने तौर पर बदलते रहना होगा और ग्रो करते रहना होगा। और जो आप अपने गोल्स लिख के कमिट करते हैं वो लगातार अचीव करने होंगे दोस्तों। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो यस, इट विल सीम टू गुड टू बी ट्रू। ये ट्रू तभी होगा जब आप ये सारे काम करेंगे। लाइफ इज अबाउट चॉइसेस। आप जो चॉइस आज से 5 साल पहले करी थी वो आज आपको डिक्टेट कर रही है। जो आज चॉइस आप करेंगे आज, वो आपका फ्यूचर 10 साल बाद डिक्टेट करेगा। सो इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस दैट यू मेक टुडे। सो आई बिलीव पीपल हु हैव जॉइंड अस इन द नियर रीसेंट पास्ट, they have made a good choice. So अब सिर्फ उसके ऊपर काम करना बाकी है, and success will be yours. जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जो हमें नहीं join किए हैं, मैं सोचता हूँ समझता हूँ कि आज वो अपनी choice कर लेंगे, और आज जो वो choice करेंगे उससे उनके 10 साल बाद का future निर्भर करेगा। तो अगला step क्या है दोस्तों आपके लिए? अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास जज्बा है, तो हम आपको मदद करेंगे वो सपने और जज्बा फुलफिल करने के लिए। ये हमारे सारे सपोर्ट टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग है, ऑफिसेज के एड्रेसेस हैं, सब कुछ है इसमें। आपको सिर्फ अपना सपना बुनना है, सपना चुनना है, और उसके पीछे एक जज्बा क्रिएट करना है अपने सपने को पूरा करने के लिए। आप हमें हर समय अपने साथ पाएंगे। रादर कई बार ऐसा होगा कि आप रियलाइज भी नहीं करेंगे आप हम आपके साथ रहेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, ये मेरी प्रेजेंटेशन आज की यहीं पे